हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग, उम्मीद करते लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी चल रही होगी। सो फिलहाल मैं ये वीडियो आपको लेकर के आ रहा हूँ अभी वॉइस ओवर पे, क्योंकि कल से ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है इधर और आज दिन भर से बारिश हो रही है अभी तक लगातार, जिस वजह से यहाँ लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का, तो लाइट मुझे सही प्रकार से नहीं मिल पा रही है वीडियो शूट करने के लिए। दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर आपको अभी जो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ये वॉइस ओवर वीडियो है। बट चले, वीडियो कैसी भी हो समझाने का तरीका तो वही रहेगा, तो वीडियो में आपको उतना ही मजा आने वाला जितना हमेशा वीडियो में आता है, एंड चीज़ें भी आपको हमेशा की तरह वैसे ही समझ में आने वाली है जैसे कि हमेशा आपको समझ में आता रहा है। सो फिलहाल ये हमारा हिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका होने वाला है डे 5। ऑलरेडी हमने 4th डे में जो चैप्टर 2 हमारा है वो हमने कम्प्लीट कवर कर लिया है, चैप्टर 1 हमारा कवर हो चुका है और चैप्टर 8 हमारा ये कवर हो चुका है। पिछले 4 दिनों में हमने ये किया था, चैप्टर 2 में 2 लेक्चर्स लगे थे, चैप्टर 8 में 1 लेक्चर, चैप्टर 1 में 1 लेक्चर, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली है अभी तक। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में, जो कि रेजिस्टेंस एंड रिबेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस साइलेंट पॉइंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे एट गाइडलाइंस एंड एक ही झलक में हम पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। सो मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम 15 मिनट का समय हमें यहाँ लगेगा, अब मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर ही हम इस पूरे चैप्टर को निपटा डालेंगे। सो बिना किसी इंतजार के ये हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपना और यहाँ पे चैप्टर को समझते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा आप लोगों से है, प्लीज मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कॉपी और कलम निकालिए, कॉपी के ऊपर हेडिंग लगाइए हिस्ट्री क्रैश कोर्स डे 5 करके, ठीक है, एंड देन नीचे सब हेडिंग लगाइए चैप्टर 3 रेजिस्टेंस एंड रिबिलियंस कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, होप सो कि आप मेरी बातों को सुन के मेरी बातों की अहमियत देते हुए अब तक आपने कॉपी कलम निकाल लिया होगा। हमारा नोट्स थोड़ा सा गुस्सा हो गया, उसे वापस बुला देते हैं। ओके सो ठीक है, देखिए इतना तो हमें पता है कि यहाँ पे हम जो रीड करने वाले हैं वो बेसिकली रिबेलियंस के बारे में ही होने वाला है, जो बगावतें हुई थी, ठीक है। 10th सेंचुरी जो 1857 जो रिवॉल्ट था, जो हम लोग 4th चैप्टर में एक्चुअली पढ़ने वाले हैं, तो 1857 के बाद में ही बहुत सारे ट्राइबल रिवॉल्ट देखने को मिले थे इंडिया में, खास तौर से हमारे, जो कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ हुए थे ड्यू टू वेरियस रीजन। बहुत सारे रीजन्स थे उसमें, जिसमें से एक रीजन यहाँ पे था हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ओके, जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास किया था। अब इस एक्ट में क्या था जिस वजह से ये कुछ बवंडर यहाँ पे खड़ा हुआ, तो वो हम समझते हैं। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट विच गेव द ब्रिटिश द राइट टू डिक्लेयर एनी फॉरेस्ट लैंड टू बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल पीपल वॉज हाईली अफेक्टेड ड्यू टू इंपीरियलिस्ट एटीट्यूड। ओके, सबसे जो पहला जो इसमें बेनिफिट हुआ था वो तो ब्रिटिश को हुआ था, उनको ये अधिकार मिल गया था कि वो जंगल के किसी भी जमीन को, किसी भी जंगल के हिस्से को ये कह सकते हैं कि भाई ये हिस्सा हमारा है, इस पे अब हमारा राज रहेगा, आप इस पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से ये आप जाहिर तौर से अंदाजा लगा सकते हो कि जो भी ट्राइब्स वहां रह रहे थे उनकी तो जिंदगी बेकार हो गई, एक पल में ही उनसे उनका जगह छीन लिया गया, क्योंकि ट्राइब्स के लिए, उन लोगों के लिए जो फॉरेस्ट का जगह था वही उनका घर था, वहीं वो पले बड़े थे, वहां से ही उन्हें खाने पीने का सारा बंदोबस्त, यानी कि हर एक चीज उनको देखने को मिलता था, सारा का सारा चीज वहां से मिलता था उन्हें। वो लकड़ियां लेते थे जंगल से अपना घर बनाने के लिए, लकड़ी से खाना बनाने के लिए भी जलाया करते थे, लकड़ी को ऐसा ईंधन भी इस्तेमाल करते थे, फिर जंगली जानवर को मार करके भी वहां पे उनको ऐसा बतौर गीजा इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा फूड के लिए, कुछ फूड्स तो जंगल में पेड़ से ही मिल जाते थे, कुछ फल वगैरह, तो ये सारी चीजें उनको मिलती थी। इसके अलावा जड़ी बूटी, यानी कि जिसको हम आयुर्वेद कह सकते हैं, वो सारी जड़ी बूटियां यानी कि मेडिसिन भी उन्हें जंगल से हासिल होते थे। तो अब जरा आप सोचिए कि आपके पास अगर इतनी सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं और अचानक से कोई आकर के ये कानून लागू कर दे कि भाई ये जो सारी चीजें अभी है आपके पास, मैं ये सब आपसे छीन रहा हूं, अब इस पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, देन आप क्या करोगे? आपको भी गुस्सा आएगा और आप भी यहाँ पर क्या करोगे, तलवार लेकर के खड़े हो जाओ, तलवार लो या फिर बंदूक लो। देखो, पबजी वाला बंदूक नहीं लेना है यहाँ पर, बट गुस्सा तो आएगा, है ना? अब जो गुस्सा आएगा तो यहाँ पे मार चलेगा भाई, एकदम खतरनाक वाला गुस्सा है, अब यहाँ पर होगा फाइट। तो इसी वजह का रिवेल हुआ था, जितने भी रिवेल हुआ था सब रिवेल होने का यही रीजन था, ये मेजर रीजन था। इसके अलावा जो और माइनर रीजन थे वो भी हम लोग आगे के लेक्चर में भी कवर अप करेंगे। देखो, यहाँ पर हमने देख लिया है कि यहाँ पर वही चीज हमारी बातें लिखी हुई है, पीपल एंड इवेंचुअली देयर इवेक्शन फ्रॉम लैंड काउस्ट। ओके, सो इमेंस सफरिंग टू द ट्राइबल पीजेंट्स, द ट्राइबल पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजियंस रिवोल्टेड मोर वायलेंटली देन एनी अदर कम्युनिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने बहुत ज्यादा ही वायलेंस के तौर पर के अपनाया था बगावत करने के लिए जितने भी बाकी कम्युनिटी थे इंडिया में उस वक्त।
यहाँ पे बहुत सारे रिवॉल्ट हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हमारा है यहाँ पर दी चौर रिवॉल्ट, यानी कि चौरी चौरा बगावत उसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, हम बोलेंगे दी चौर रिवॉल्ट। तो द चौर ट्राइब्स मैन यानी कि वहां के जो कबीले के लोग थे ऑफ द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट टुक अप आर्म्स, कब लिया था, ये डेट आपको याद रखना है। पहला बार देख लो, चौर जो लोग थे वो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे और उन्होंने 1788 यानी कि 1798 टू 1799 के अराउंड उन्होंने यहाँ पर बगावत किया था। सो मेक श्योर ये डेट आपको जरूर याद हो, क्योंकि ये डेट से इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा बगावत कब हुआ था। ओके आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ी थी, सॉरी वो नहीं बढ़ी थी, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन द रीजन ऑफ दलभूम एंड मनभूम ऑपरेशंस इन 1768 द राजास ऑफ दलभूम, इन्होंने क्या किया था कि जमीन का इन्होंने दाम बढ़ा दिया था, ये भी एक रीजन था, ठीक है। लैंड रेवेन्यू ने बढ़ा दिया था जमीन का दाम, जिसकी वजह से जमीन महंगा हो गया था इन लोगों को खरीदने के लिए, और इवन बहुत से जो ट्राइब्स उनका ये हाल था कि वो लोग लोन लिया करते थे। ओके ये बार बार हमारा पेंसिल कहाँ चला जा रहा है, सस्ता पेंसिल, इसीलिए वो लोन लिया, चूंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा महंगा हो जा रहा था, कभी कभी वो लोन लोन लिया करते थे, लोन देने के लिए जो लोग थे वो भी एक तरीके से आप कह लो कि अंग्रेज के तरफदार ही लोग थे, मतलब उनके ऐसा कह सकते हो उनके तलवे चाटने वाले लोग थे खास तौर से, बट कुछ लोग ऐसे भी नहीं थे जो उन कैटेगरी में नहीं थे, बट फिर भी वो लोग इनकी मजबूरी का फायदा उठाते थे। ये जो रिबेलियस जो ट्राइब्स लोग थे इनकी मजबूरी का फायदा वो उठाते थे, वो इन्हें लोन देते थे, और अगर इनकेस वो लोन देने में उन्हें देर होता था, किसी वजह कर वो नहीं दे पाते थे, देन उन्हें काफी ज्यादा जलील किया जाता था, उनके घरों में आग लगा दी जाती थी जाकर के, उनके औरतों के साथ बदसलूकी की जाती थी, ठीक है। तो औरतों के साथ काफी बदसलूकी की जाती थी, घरों में आपको आग लगा दिया जाता था, उनका बच्चों को जला दिया जाता था, ये बहुत, तो मैं कुछ आपको बातें बता रहा हूँ, इससे भी बढ़ चढ़ करके उन्होंने जितना हो सकता है उतना वो गिर करके उन लोगों ने जलील किया था इन लोगों को, ठीक है। उम्मीद है कि मेरे इन अल्फाजों से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि किस जुल्म का उन्हें सामना करना पड़ रहा था उस वक्त। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कलियापुर ढोल का, बराबूम ऑर्गेनाइज्ड रिवॉल्ट, दिस डिस्ट्रीब्यूटेड कंडीशन कंटिन्यू टिल एंड ऑफ, ये लोगों ने, ये लोग जो लोग थे आपका कलीपुरा, ये सब मिल करके आपका एक रिवॉल्ट बनाए थे, यानी कि एक रिवॉल्ट किए थे अंग्रेजों के खिलाफ 19th century के अराउंड, यही हमारा चौरी चौरा, सर चौरी चौरा नहीं द चवार रिवॉल्ट कहलाया था। चौरी चौरा तो लास्ट चैप्टर में, वो तो गांधी जी के वजह का, वो अलग है, दोनों को मिलाना मत। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इन 1820 की बात हो रही है, द राजा ऑफ सिंघभूम एक्नॉलेज द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट द रेस्टलेस कोल ट्राइब। अब यहाँ पर हम लोग कोल रिबिलियन का बात करेंगे, जो राजा ऑफ सिंघभूम थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी को कुछ ज्यादा अहमियत दिया और जो कोल ट्राइब के लोग थे उनको नजरअंदाज किया गया। ओके द कोल ट्राइब द रेस्टलेस कोल ट्राइब ऑफ, तो अब जिनको नगर ये किया गया था इग्नोर, अब वो तो बताएंगे भाई हमें इग्नोर करने की सजा क्या होता है, तो वो थे छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर आप मुझे बताओगे कमेंट करके, छोटा नागपुर जो सिटी है ये कहाँ पर आपको मिलेगा, ये सिटी है डिस्ट्रिक्ट ये भी आप बताइए, और ये कहाँ पर है हमारे इंडिया के किस स्टेट में है, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि कोल ट्राइब जो थे वो किस स्टेट से ताल्लुक रखते थे एट प्रेजेंट के तौर पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो। सो इन रिसेंटेड एंड एग्रीमेंट एंड ब्रॉक इन टू ए रिबिलियन 1831 में इनका रिवेल हुआ था, ये आप खास तौर से याद रखेंगे, कोल रिबिलियन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है। सो 1831 से लेकर 32 तक यहाँ पर हमारा कोल रिबिलियन हुआ था, दे किल्ड और बर्न द हाउसेस ऑफ अबाउट 1000 लैंडलॉर्ड्स, बहुत सारे जमींदार लैंडलॉर्ड्स यानी कि जमींदारों का उन्होंने जमीन जला दी थी, इनका जो रिबिलियन था इन्होंने काफी हद तक बर्बाद किया था बट जीत नहीं पाए थे। द रिबिलियन स्प्रेडेड टू सिंघभूम रांची हजारीबाग एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मनभूम, द कोल्स वेयर अनसक्सेसफुल एंड ऑर्डर वाज रीस्टोर्ड आफ्टर अ लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन। तो जितने भी बगावट्स वहां पे हुए, यानी जितने भी रिबेल्स हुए थे ट्राइब्स के द्वारा, उन सभी को अंग्रेजों ने यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो कि आर्मी के द्वारा उनको दबाया गया था फौजी कार्रवाई करके, ठीक है। रीजन ये था, देखो सिंपल रीजन यहाँ बयान कर देते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखो फिर नाराज हो गया बेचारा, फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। तो रीजन यहाँ पे ये सिंपल था कि जितने भी लोग थे वो लोग तो लड़ रहे थे तीर और भाला से, उनके पास तो वही था पत्थर के हथियार था ना, तीर और भाला था, बट अंग्रेज के पास तो बंदूक थी, उनके पास तो गन था, गन के अलावा उनके पास तोप था, वो तोप लेके आ रहे थे, गन लेके आ रहे थे, भाई जब तक ये लोग तीर और भाला मारेंगे तब तक वो तोप से इनको उड़ा के चले जाएंगे, प्लस उनके पास जो आर्मी थी वो ट्रेंड आर्मी थी, ठीक है ये भी बात समझो, उनको
ट्रेंड ही किया गया था लड़ने के लिए, आदमी को सामने वाले दुश्मन को मारने के लिए। तो उनसे लड़ पाना पहले तो दिक्कत की बात थी। ये दूसरा बात, ये जो ट्राइब्स हुए थे, जो भी रिबिलियंस हुए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में हुए थे, ठीक है, टुकड़ों में हुए थे ये, टुकड़ों में टुकड़ों में, ओके, जिस वजह कर ये एकजुट नहीं थे, इस वजह कर भी इनको मार पाना, इनके हरा पाना अंग्रेजों के लिए काफी आसान हो गया था, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े में थे और इनके पास, अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी फोर्स थी। तो फिर वहां पे उन्होंने किस्सा खत्म कर दिया। सो ये अब हम लोग देखते हैं संथाल रिवॉल्ट। ओके, तो संथाल रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ 1855 में एंड हैड इट्स ओरिजिन इन द रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। द जमींदार्स डिनाइड द संथाल पीजेंट्स द राइट ऑफ ओनरशिप ओवर देयर लैंड्स। सो प्रॉब्लम यही हुआ था कि जो संथाल लोग थे उनको उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया था। जो भी जमींदार थे या फिर जो भी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से एज अ लैंड लॉर्ड्स थे, जिन्होंने इनको जमीन दी थी, या फिर इनका खुद के ही जमीन पर, संथाल लोगों के खुद के ही जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, और फिर उनको खुद के जमीन से बेदखल करके कहा भैया जाओ तुम लोग यहाँ से, यहाँ अब तुम लोग का कुछ नहीं है। मतलब बताओ यार कैसा लगेगा, तुम घर अपने घर में रह रहे हो काफी जमाने से, काफी साल से, अचानक से कोई आ जाए तुम्हारे घर में, कहने लगे ये तुम्हारा घर नहीं है। देन एट दैट टाइम जैसा फील तुम्हें होगा उसी तरीके का फीलिंग उस वक्त संथाल लोगों को हुआ था। तो अब तुम भी जैसा सोच रहे हो अपने मन में करने के लिए, ठीक वही इन लोगों ने भी किया था। बट मुझे लगता है कि जैसा इन लोगों ने किया था संथाल वालों ने, तुम उससे ज्यादा ही कुछ करोगे फिलहाल आज के टाइम पे, क्योंकि तुम्हारे पास तो और भी ज्यादा फैसिलिटीज है। अब तुम शायद सबसे पहला काम करोगे सोशल मीडिया का यूज, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। ओके, सो फिलहाल तुम क्या करोगे वो तुम जानो, हम लोग ये देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने डिक्लेयर द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल एंड प्रोक्लेमेंट देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। इन्होंने ठान लिया भैया उनका खात्मा करना है। दिस सिचुएशन ब्रॉट अंडर कंट्रोल इन 1856 आफ्टर ए मिलिट्री ऑपरेशन। कॉन्सिक्वेंटली अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ संथाल परगना वाज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। बट वही एट द एंड आपका काम हुआ कि भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, उसको मिलिट्री ऑपरेशन करके उसको भी दबा दिया। बट कुछ तो नतीजा निकला था इससे, थोड़ा सा उनको राहत मिला था कि उनको एक अपना पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट मिल गया था संथाल लोगों को, संथाल परगना के नाम से, जहां पर वो लोग रह पा रहे थे आसानी से। थोड़ा मतलब उतनी भी सुकून नहीं थी, बट हाँ पहले से थोड़ा बेहतर हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं मुंडा रिवॉल्ट के बारे में। देखो मुंडा रिवॉल्ट ऐसा बोला जाता है कि द मोस्ट सक्सेसफुल ट्राइब रिवॉल्ट था। तो ये आप पॉइंट नोट करके भी लिख सकते हो, द मोस्ट सक्सेसफुल ट्राइब रिवॉल्ट इज द मुंडा रिवॉल्ट। तो मुंडा रिवॉल्ट विच स्वेप्ट ओवर रांची इन 1819। अब मुंडा लोग जो थे वो रांची के एरिया यानी कि झारखंड के तरफ ही रहते थे, खासतौर से रांची के इलाके, पटना बिहार इस तरह के जो इलाके, वहां पे ये देखने को मिलते थे। तो 1890 से लेकर फिर 1900 तक यहाँ पर बिरसा मुंडा ने इनको, देखो इसका स्टार्टिंग बहुत डिटेल में कहानी देखेंगे, तो बिरसा मुंडा पहले लीडर नहीं थे, पहले इनका बगावत शुरू हुआ था जब इनके एक पॉइंट पर आकर के बगावत ठंडी पड़ गई थी, यानी कि वो दबाने की कोशिश कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स थे। तो उस पॉइंट पर यहाँ पे बिरसा मुंडा आकर के इन्हें एक ऐसा जोरदार स्पीच देता है मोटिवेशनल, जिससे लोग काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं। देन उसके बाद द मुंडा रोज इन रिवोल्ट 1900 में एक नई तरीके से इससे बगावत में जान आती है। देन ये अगेंस्ट द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द ब्रिटिश ऑन देयर ट्रेडिशनल राइट्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट एंड देयर लैंड्स। देयर रिवोल्ट रॉक्ड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड बिरसा मुंडा वॉज अरेस्टेड कॉन्सिक्वेंटली। ओके, बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया था और उसी के साथ साथ द ब्रिटिश अडॉप्टेड सम कॉन्सिलिएटरी मेजर्स फॉर द मुंडास विच इंक्लूडेड द अबॉलिशन ऑफ बेथ बेगान। यानी के या तो यहाँ बिरसा मुंडा को तो अरेस्ट कर लिया गया था आपका। अरेस्ट करने का रीजन सिंपल है, क्योंकि यही लीडर बन के उनको ज्यादा हिम्मत दे रहा था, जिसकी वजह कर मुंडा काफी ज्यादा आगे बढ़ के बगावत कर पा रहे थे। बट इसका बहुत सारा नतीजा निकला था, मुंडा बगावत को देखने के बाद बहुत सारे और दीगर जो आसपास के ट्राइब्स थे उनको काफी ज्यादा हिम्मत मिली और वो लोग अपने अपने तरीके से वहाँ बगावत कर रहे थे, जिसके नतीजे में ये हुआ कि जितने भी यहाँ पे जो हो रहे थे ज्यादा से ज्यादा जुल्म हो रहे थे फॉरेस्ट लॉ की वजह कर, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल किया गया गवर्नमेंट के द्वारा एंड कुछ कुछ रूल्स को बेहतर किया गया ताकि ट्राइब्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये कुछ तो फायदा हुआ था। यहाँ पे हम बात करते हैं अब सन्यासी और फकीर रिबिलियन के बारे में। तो ए सेक्ट ऑफ सन्यासी एंड अ लार्ज नंबर ऑफ फकीर्स मींस मुस्लिम्स रोज इन रिबिलियन अगेंस्ट द ओप्रेसिव टैक्स। यहाँ पे ओप्रेसिव टैक्स की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे इनका जो रिबेल करने का जो मेन रीजन था वो ये था कि जो अंग्रेज थे भैया, ठीक है, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए थे वो लोग,
जो भी ये लोग सन्यासी है, जो भी फकीर थे, ये लोग जिधर उधर जा जाके वो पैसा मांग करके अपनी जिंदगी वो गुजर बसर करते थे। बट अंग्रेजों ने बोला कि भाई ये जो पैसे यहाँ मांग रहे हैं लोगों से, इन पर भी हमारा अधिकार है, नहीं कि इन पर भी हम टैक्स वसूल करेंगे। तो इन्होंने कुछ ज्यादा ही टैक्स यहाँ पे वसूल कर दिया, जिस वजह कर इन्होंने लोगों को रिबेलियन यहाँ पे करना पड़ गया। ओके, द इमीडिएट काउज ऑफ द अपराइजिंग वॉज द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द ब्रिटिश अपॉन विजिटिंग होली प्लेसेस एंड श्रीन्स। द सन्यासी रिबेलियन वॉज, तो ये भी था उनको होली प्लेसेस यानी कि उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस थे वहां पे जाने से भी उनको रोका गया था। अब ये तो मार खाने वाला ही काम कर रहा था ना, ऐसा हरकत करने से तो आदमी मारेगा ही उसको। ठीक है, तो यहाँ पे कौन किसके लीडर थे वो आप देख लो। विजिटिंग होली पे वो तो बन गया, सन्यासी रिबेलियन को लीड किया गया था भवानी पाठक के जरिए एंड देवी चंद्रोनी, सही सॉरी देवी चौध रानी। द फकीर लेड बाई मजनू शाह, ओके इनको लीड किया था मजनू शाह एंड चिराग अली, ऑल्सो प्रूव्ड ट्रबलसम ओके फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उन्होंने कुछ तो प्रॉब्लम पैदा किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। बट द लीडर्स वी आर इनएक्सपीरियंस्ड एंड वी आर ओवर पावर्ड बाय द कंपनीज आर्मी। इनएक्सपीरियंस से तजुर्बा नहीं था, अब तजुर्बा कैसे रहेगा, थोड़ी ना आदमी जंग करेंगे तजुर्बा लेके आता है भाई, क्या बात है कि नहीं बताओ। ओके, उसके बाद हम आते हैं वहाबी मूवमेंट के बारे में। तो वहाबी मूवमेंट एक तरीके से रिलीजियस मूवमेंट थे स्टार्टिंग में, बट लास्ट में जब इन्होंने देखा कि भाई पीजेंट्स पे, गरीब लोगों के ऊपर, मजदूरों पर बहुत तरीके का जुल्म हो रहा है, तो उन्होंने अपना रिलीजियस मूवमेंट को छोड़ करके रिलीजियस में ही वहां पे कुछ रुख ले लिया था सियासी यानी कि पॉलिटिकल के तौर पर। तो ये काफी अहमियत रखता है इस लिहाज से। द वहाबी मूवमेंट इन इंडिया वॉज लेड बाय सैयद अहमद बरेलवी। इन बंगाल द वहाबी मूवमेंट वॉज लेड बाय तीतू मीर, क्योंकि इनका पूरा नाम होता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखोगे, शुरू किसने किया, बाद में बंगाल में कौन था। ही ऑर्गेनाइज द पुअर पीजेंट्स फ्रॉम कम्युनिटीज अगेंस्ट द ओप्रेसिव जमींदार्स मनी लैंडर्स एंड इंडिगो प्लांटर्स। दिस वॉज द फर्स्ट आर्म्ड रिविलियन ऑफ पीजेंट ऑफ बंगाल। टीटू एंड हिज कॉम्रेड्स वी आर किल्ड इन अ वैलियंट फाइट विद द ब्रिटिश। ये लोग भी मारे ही गए थे एट द एंड। इसके बाद हमारा है द फराजी मूवमेंट। ओके, ये भी समहाउ रिलीजियस था स्टार्टिंग में, बट बाद में ये भी एक तरह का पॉलिटिकल रुख ले लेता है, चूंकि वही रीजन वही था जो सेम वहाबी मूवमेंट है मैंने आपको बताया। द फराजी मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ हाजी शरीयतुल्ला स्टार्टेड एज एन इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, बट अल्टीमेटली इट टर्न्ड इनटू अ स्ट्रगल एमिंग एट द एक्सपल्शन ऑफ द ब्रिटिश एंड द रिस्टोरेशन ऑफ मोहम्मदन पावर। ओके, इन इंडिया आफ्टर शरीयतुल्लास डेथ, इनकी डेथ के बाद उनके जो बेटा थे दुदू मियाँ, उन्होंने इनकी लीडरशिप को लिया था। ही यूनाइटेड द पीजेंट्स, उन्होंने जो भी वहां पे आपके ये बोल सकते हैं पीजेंट्स का किसान, हाँ किसान लोगों को एक जगह इकट्ठा किया अगेंस्ट द, यहाँ पे जगह का नाम है रिट्रियन ऑफ द जमींदार्स एंड द इंडिगो प्लांटर्स। ही क्रिएटेड अ पैरेलल गवर्नमेंट एंड वाज कॉन्सिक्वेंटली अरेस्टेड एंड इम्प्रिजेंट। तो उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट ही बना लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को तोड़ने के लिए, और इसकी सजा उन्हें इस तरीके से मिली कि भाई उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, फिर जेल में उनको सजा भी दी गई। ओके, यहाँ पे हमारा ये जो 8 नंबर यहाँ पे शुरू हो रहा है, 1 मिनट कहाँ चला गया ये। ओके, तो ये 8 नंबर यहाँ पॉइंट लिखा है, मतलब यहाँ से एक नया रिवॉल्ट इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में बात करेंगे। इसका डिस्कशन चैप्टर 2 में भी हमने ऑलरेडी कर रखा है, हाइलाइट्स देख लेते हैं। इंडिगो रिवॉल्ट स्टार्टेड इन 1859 इन नदिया डिस्ट्रिक्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ बिष्णु चरण बिश्वास एंड दिगंबर। फ्रॉम द बिगिनिंग द राइट्स वेयर फोर्स टू कल्टिवेटेड इंडिगो ब्रिटिश। वही जैसा मैंने आपको बता दिया पिछले चैप्टर में, वही सारा सेम कहानी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ओके, ये शॉर्ट नोट्स है जो मैंने बना रखा है। ओके, ये भी मैं आपको डाल दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, आप इसको भी ले सकते हैं। सो अगर आपने व्हाट्सएप का चैनल मेरा फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल पे जाकर के आप फॉलो कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर ये नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तभी मैं नोट्स दूंगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इस नोट्स को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी नोट्स दे रखा है, आप वहाँ से ही पढ़ लीजिए। चलिए लास्ट टाइम यहाँ देखते हैं, द पुअर पीजेंट ऑफ द पबना डिस्ट्रिक्ट, पबना डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट बंगाल स्टार्टेड रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द एक्सपोलेशन ऑफ जमींदार्स इन 1872। टू लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट वियर ईशन चंद्र रॉय एंड खुदी मोहल्ला इन 1874 एंड एग्रारियन लीग वॉज फॉर्म्ड। एक लीग बनाया गया था इस नाम से विच प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अर्जेंट डिमांड ऑफ द जमींदार्स, यानी कि जमींदार का जो भी अर्जेंट डिमांड था, जो भी उनका जबरदस्ती था, जुल्म था, उसके खिलाफ में बनाया गया था। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं पबना रिवॉल्ट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1885 में क्या हुआ था, द बंगाल टेनेंसी एक्ट वहां पे पास हुआ था विच टू अ ग्रेट एक्सटेंट प्रोटेक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ राइट।
अब ये इसी वजह कर पास हो पाया था, इस रिवॉल्ट की वजह कर खत्म हो गया हमारा, और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ये जो होता है डी एंड, ओके, तो ये हमारा होता है चैप्टर डी एंड, खत्म, टाटा बाय बाय। इतना ही आपको पढ़ना है। देखिए रिवॉल्ट जितने थे, मैंने जितने मेन मेन रिवॉल्ट थे ना, वो मैंने यहाँ पे पिक कर लिया था। अदरवाइज आप देखोगे तो शायद एक छोटा, एक दो छोटा रिवॉल्ट आपको और भी मिल गया, बट इतना ही रिवॉल्ट आप पढ़ के जाइए, इतना ही स्टडी कीजिए, मोर देन इनफ है आपके लिए एग्जाम को स्कोर करने के लिए। सो होप सो कि जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बट इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी तरह का डाउट है, तो मैं यहाँ पर हूँ उसे क्लियर करने के लिए। आपको बस नीचे कमेंट कर देना है, मैं उस कमेंट का आंसर करके आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसे यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। एंड अदरवाइज आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ये रहा मेरा मेल आईडी, ओके, जावेद आमिर 035@gmail.com। मेल आईडी पर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे करता हूँ लेक्चर को एंड, बहुत जल्द मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आपकी मर्जी, आप चाहे तो कर सकते हो, मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करोगे, अच्छा नहीं लगेगा तो आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। बट मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये करने के लिए, अगर अच्छा लग जाता है, आप सब्सक्राइब कर रहे हो, तो शेयर जरूर कर देना। और उसके अलावा एक और रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई भी कमी महसूस होती है, या फिर मैं आपको लगता है कि इसे और अच्छे से बेटर इंप्रूव किया जा सकता है, सो प्लीज़ आप अपना सजेशन नीचे जरूर ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि आपके सजेशंस मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इंप्रूव करने में मुझे हेल्प करता है। तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल सजेशन मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बस इतना ही बात था, अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। ओके, बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।